नमस्कार सभी को। और आज हम बात करेंगे भारतीय फुटबॉल के हर दशक के सबसे बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि भैया ये जानकारी शायद आप तक पहुंचनी चाहिए कि पुराने दशकों में कौन अच्छे फुटबॉलर्स थे जिनको आज के जो फैंस है वो नहीं जानते या आज के प्लेयर्स नहीं पहचानते। तो मैंने सोचा कि ये जानकारी शायद एक अच्छी चीज़ हो सकती है आपके लिए। तो मैंने हर दशक के जो बेस्ट फुटबॉलर्स हैं उनकी लिस्ट निकाली है और इसमें मैंने उनके बारे में थोड़ा बहुत बताया है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि पिछले 100 सालों में हमारे भारतीय फुटबॉल में कौन कौन से बेस्ट फुटबॉलर्स रहे हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा ताकि आपको इंडियन फुटबॉल के बारे में एक और अच्छी चीज पता चल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे 1920 के दौर में जहाँ से इंडियन फुटबॉल में प्रगति चालू हुई थी। और उस समय के सबसे अच्छे फुटबॉलर थे गोष्ठा पाल साहब, जो कि बंगाल से बिलोंग करते हैं और ये इंडिया के पहले कप्तान भी कहे जाते हैं। और इनका गेम इतना अच्छा था कि अंग्रेजों ने इनको नाम दिया था द वॉल ऑफ चाइना। तो ये कितना मतलब रिस्पेक्ट वाली बात थी। और मोहन बगान में आ गए थे 16 साल की एज में ही और बाद में मोहन बगान का लेजेंड बन के निकले थे। और इनकी मूर्ति भी बनाई गई है कोलकाता मैदान में। तो बहुत ही बड़े फुटबॉलर मैं कहूँगा उस दशक के और पूरे भारतीय फुटबॉल के हिस्ट्री में। फिर उसके बाद हम चलते 1930 के दशक में और इस दशक के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर थे मोहम्मद सलीम साहब, जो कि बंगाल से ही थे और ये विंगर पोजीशन पर खेला करते थे। और इनका नाम मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा क्योंकि ये पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे जो विदेश में खेल कर आए थे, यूरोप में खेल कर आए थे। और उन्होंने कारनामा उस समय किया जब हम उन कमीनों के गुलाम हुआ करते थे ना उस टाइम पे, तो बहुत बड़ी बात थी। और ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग के लेजेंड भी कहे जाते हैं। तो मतलब बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये थे 1930 के दशक में। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1940 के दशक में। तो 1940 के दशक में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे हमारे साइलेन मन्ना साहब और ये भी बंगाल के खिलाड़ी है और ये वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर कहे जाते हैं इंडिया के। और ये वो खिलाड़ी थे जो 1950 में हमारी टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए जाने वाली थी, उस टीम के कैप्टन थे। अगर वर्ल्ड कप खेलती हमारी टीम तो वो एक कैप्टन होते उस टीम के। तो ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी थे और इन्होंने 1951 में भारत के लिए एशियन गेम्स जीता। और 1953 में इंग्लिश फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से एक लिस्ट निकली थी बेस्ट कैप्टन्स इन द वर्ल्ड, तो उसमें एशिया की तरफ से ओनली कैप्टन जो थे वो हमारे साइलेन मन्ना साहब थे। और ये मोहन बगान के लेजेंड भी हैं, तो उस समय के तो ये बेहतरीन खिलाड़ी थे और हमारी भारतीय फुटबॉल हिस्ट्री में भी इनका नाम हमेशा अमर रहेगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1950 के दशक में। तो 1950 के दशक में वैसे तो कई फुटबॉलर्स के नाम आते हैं, लेकिन मैं सबसे बेस्ट फुटबॉलर अगर उस दशक का मानता हूं तो वो है पीटर थांगराज साहब, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और ये गोलकीपर पोजीशन पर खेलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इनके जैसा गोलकीपर अभी तक भारतीय फुटबॉल में नहीं आया है, तो भैया ये बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। और पीटर थांगराज साहब ने 1956 एंड 1960 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 1958 में बेस्ट गोलकीपर ऑफ एशिया का अवार्ड थांगराज साहब को दिया गया था और 1962 का एशियन गेम्स जो है उसमें विजय दिलाई थी थांगराज साहब ने भारतीय फुटबॉल टीम को। तो ये बहुत ही शानदार गोलकीपर थे और बहुत ही बेहतरीन प्लेयर भी थे और कभी कभी स्ट्राइकर भी खेल लेते थे, तो ये इनकी एक अलग खासियत थी। और इन्होंने तीनों दिग्गज क्लब से खेला है कोलकाता के, मतलब ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, मोहम्मदन, तो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी ये थे। फिर उसके बाद हम चलते 1960 के दशक में। तो इस दशक में भी काफ़ी फुटबॉलर्स थे, लेकिन मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ इस दशक के चुन्नी गोस्वामी साहब को, जो कि बंगाल से है और स्ट्राइकर पोजीशन पर ही खेलते थे। और इनकी एक एक्स्ट्रा काबिलियत ये थी कि ये बहुत अच्छे क्रिकेटर भी थे, तो ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेल लेते थे, वो भी प्रोफेशनली, मतलब रणजी में ये क्रिकेट भी खेला करते थे बंगाल की तरफ से। और 1962 का जो एशियन गेम्स जीता था हमने उसमें कैप्टन थे, 1964 का एशिया कप में जो रनर अप थे उसमें भी हमारे भारतीय टीम के कैप्टन थे और ये मोहन बगान के लेजेंड भी है। और इनकी एक सबसे रोचक बात यह है कि इनको भैया टोटेनम हॉटस्पर, जो इंग्लैंड का इतना बड़ा क्लब है, उससे ऑफर आया था लेकिन ये गए नहीं थे। तो चुन्नी गोस्वामी साहब को तो मेरे ख्याल से सभी भारतीय फुटबॉल फैन जानते ही होंगे कि कितने अच्छे फुटबॉल खिलाड़ी
थे उनके जमाने के, तो इनका भी नाम एकदम अमर है हमारी भारतीय फुटबॉल हिस्ट्री में। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1970 के दशक में, तो इस दशक में भी काफी फुटबॉलर्स थे, लेकिन अगर आप देखें सबसे बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी इस दशक का, तो वो थे हमारे सुभाष भौमिक साहब, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है। तो ये भी बंगाल से ही थे और ये स्ट्राइकर पोजिशन पर खेलते थे, और इन्होंने 1970 में एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था हमारी भारतीय फुटबॉल टीम के लिए। और ये एक ऐसे खिलाड़ी मैं कहूंगा जो एज अ प्लेयर भी उतने ही काबिल थे और एज अ कोच भी वो उतने ही सक्सेसफुल हुए, तो मतलब एक शानदार खिलाड़ी और शानदार कोच ये दोनों थे, और उनके दशक में तो एक बहुत ही लाजवाब प्लेयर ये माने जाते थे। फिर उसके बाद हम चलते 1980 के दशक में, तो इस दशक में भी काफ़ी फुटबॉलर्स थे, लेकिन अगर आप सबसे बेहतरीन अगर नाम निकालें तो वो मैं कहूँगा शब्बीर अली साहब, जो कि हैदराबाद से हैं और ये स्ट्राइकर की पोजीशन पर खेला करते थे, और ये एक बहुत ही लाजवाब स्ट्राइकर थे, और इसका सबूत यह है कि ये आज भी वन ऑफ द टॉप 5 गोल स्कोरर में शामिल है इंडियन फुटबॉल हिस्ट्री के, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और एक और कारनामा है जो शब्बीर अली साहब के नाम पे है, वो है इंडिया के लिए अगर किसी ने फास्टेस्ट हैट्रिक मारी है तो वो शब्बीर अली साहब ने मारी है, और उन्होंने 35 मिनट में इंडोनेशिया के अगेंस्ट हैट्रिक मारी थी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शब्बीर अली साहब भी ईस्ट बंगाल और मोहम्मदन जैसे बड़े दिग्गज क्लबों में खेले और उनके लेजेंड है, और ये उनके जमाने में जितने अच्छे प्लेयर हुआ करते थे उतने ही अच्छे कोच भी ये बने थे बाद में, तो एक बहुत ही लाजवाब खिलाड़ी मैं कहूंगा शब्बीर अली साहब को। और आज भी ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स को कोचिंग देते हैं और उनको आगे बढ़ने का मोटिवेशन देते हैं, तो मतलब एक सैल्यूट बनता है शब्बीर अली साहब के लिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं 1990 के दशक में, तो इस दशक के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे IM विजयन साहब, और ये केरला से बिलोंग करते हैं और स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेला करते थे, और ये 3 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतने में कामयाब रहे थे, और ये आज भी इंडिया के सेकंड टॉप गोल स्कोरर हैं। और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया था कि इन्होंने वन ऑफ द फास्टेस्ट इंटरनेशनल गोल दागा है, जो इन्होंने दागा था भूटान के खिलाफ, केवल 12 सेकंड में इन्होंने गोल कर दिया था भूटान पे। और इन्होंने भी बड़े दिग्गज क्लबों से खेला है, मोहन बगान ईस्ट बंगाल जैसे, और इन्होंने भारत के लिए सेफ चैंपियनशिप जीतने में कई बार अपनी अहम भूमिका निभाई है। तो IM विजयन साहब भी बहुत ही बड़े फुटबॉलर कहे जाते हैं भारतीय फुटबॉल हिस्ट्री में। फिर उसके बाद हम चलते हैं 2000 के दशक में, तो इस दशक में एक ही नाम था जो हर फुटबॉल प्लेयर हर फुटबॉल फैन के जुबान पर हमेशा रहता था, वो है बायचुंग भूटिया साहब। तो बायचुंग जी सिक्किम से बिलोंग करते हैं और ये स्ट्राइकर की पोजीशन पे खेला करते थे, और इनको वन ऑफ द गिफ्ट फॉर इंडियन फुटबॉल कहा जाता है, और ये इंडिया के पहले फुटबॉलर थे जिन्होंने यूरोप में प्रोफेशनली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वहां पे खेला था। और भूटिया साहब ने भारत को FC चैलेंज कप, सैफ कप और नेहरू कप जीतने में बहुत ही अपनी अहम भूमिका निभाई थी, और ये ईस्ट बंगाल और मोहन बगान जैसे दिग्गज क्लबों में खेले और उनके लेजेंड भी आज कहलाते हैं, और आज भी हमारे यंग प्लेयर्स को मोटिवेट करते रहते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा काम बायचुंग भूटिया जी आज भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आज के दशक में, यानी 2020 का दशक, तो इस दशक में तो मुझे कहने की जरूरत है ही नहीं कि कौन है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, तो वो है केवल एक ही नाम, सुनील छेत्री भैया का। और वैसे तो ये सिकंदराबाद में पैदा हुए, लेकिन असल अगर इनका बचपन कहीं गुजरा है तो वो दिल्ली में, तो इसलिए हम इनको खासकर दिल्ली का मान सकते हैं। और भाई ये मोस्ट कैप्ड इंडियन फुटबॉलर, हाईएस्ट गोल स्कोरर ऑफ इंडियन फुटबॉल, और सेकंड एक्टिव टॉप गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड, यानी रोनाल्डो के पीछे इनका नाम आता है, तो ये कितने प्राउड की बात है हर एक भारतीय के लिए। और छेत्री भैया की बात करें तो इन्होंने भारत को सैफ कप, इंटर कॉन्टिनेंटल कप, नेहरू कप, FC चैलेंज कप ऐसे बड़े टूर्नामेंट्स जीतने में अहम भूमिका निभाई है, और ये 6 बार AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर भी बन चुके हैं। और वैसे तो इन्होंने काफी क्लब से खेला, लेकिन किसी एक क्लब का लेजेंड अगर इनको कहेंगे तो वह है बेंगलुरु फुटबॉल क्लब। तो बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के लेजेंड है सुनील छेत्री भैया, और रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो ये अभी तक के ग्रेटेस्ट इंडियन फुटबॉलर है, और हम यही आशा करेंगे कि और खेले और भारत को और गौरवान्वित करें और आगे लेके जाएं, क्योंकि जितनी जरूरत इनकी पिछले बीते 10 वर्षों में रही है उतनी जरूरत अभी भी लगती है। तो मैं यही कहूंगा कि भैया ये खेलते ही रहें। तो यही थे हमारे अभी तक के हर दशक के सबसे बेस्ट फुटबॉलर्स। इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे नाम भी हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और मैंने नहीं लिए। तो देखिए, मैंने ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से जो बेस्ट उस दशक में हो सकता था उन प्लेयर्स का नाम लिया है। बाकी अगर आप किसी का नाम और सजेस्ट करना चाहते तो आप उन फुटबॉलर्स का नाम उनके फुटबॉलिंग ईयर के हिसाब से कमेंट में लिख सकते, ताकि मुझे और सभी को पता चल पाए। और आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक अच्छी जानकारी पहुंची होगी। मेरा यही मकसद रहता है कि एक अच्छी जानकारी, वो भी भारतीय फुटबॉल से रिलेटेड, आप तक पहुंच सके। तो बस इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।